क्या चीज काम करेंगे, हम लेटरल शिफ्ट निकालेंगे। कितना है लेटरली शिफ्ट हुई, मतलब वो यहां से लेके यहां तक ये कितना शिफ्ट हुई है वो देखना है। इसके लिए हम क्या चीज काम करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतनी ही ये शिफ्ट हो चुकी है, इसको का नाम देते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या नाम देते हैं? लेटरल शिफ्ट। और अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लेटरल शिफ्ट। वो क्या कैलकुलेट करेंगे? लेटरल शिफ्ट। ध्यान दियो, लेटरल शिफ्ट को मैं यहां डिनोट करता हूं डी से, मुझे यही डी चाहिए। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इसके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। लिख दीजिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन, लेटरल शिफ्ट। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ गदेड़ा लिख रहा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, एंड द इमर्जेंट रे। तो मैं इट इज द मैंने इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इट इज डिनोटेड बाई डी। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, इट इज डिनोटेड बाई डी। वो किससे डिनोट करेंगे? छोटू डी से। हमें यही डी निकालनी है। क्या निकालनी है? लेटरल शिफ्ट, ये निकालना है। आप सुनिए अच्छे से, आराम से सुनिए, डायग्राम पे फिर से आता हूँ। वो ध्यान दो यार, इसके जो दो तीन स्टेप से उन पे ध्यान दीजिएगा, यही पे क्लियर हो जाएगी। अब क्या चीज हो रहा है, इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल को मैं यहां तक ले जा रहा हूं। लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज एम। क्या ये सबको क्लियर हुआ? सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए सी एम, इन ट्रायंगल ए सी एम। और किस ट्रायंगल में जाएंगे हम? ए सी एम। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर 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 ओ हो, अगर ये आर है तो ये एंगल कितना है? 90 का समझ गए, ये टोटल आई था, आर कैंसिल, मतलब आएगा आई माइनस आर। वो क्या सबको क्लियर हुआ? अगर ये बेंड ना होती, ये सीधे चली जाती, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता, अगर ये आए तो ये पूरा यहां आई ही होता, लेकिन आर अब इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो ये वाली चीज है ये बन जाएगी आई माइनस आर। क्या क्लियर हुआ? मैं जा रहा हूं इसी ट्रायंगल में ए सी एम में, यहां पे मुझे निकालना, सुनिए ओ, इस स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है। क्या है? अच्छे से फोकस करिएगा, मेरे पास ये जो हमने यहां पे डाला ये परपेंडिकुलर, इस पे है ये परपेंडिकुलर, ये आएगी बेस, ये आएगी हाइपोटेन्यूज। अब मैं जाऊंगा, मैं निकालूंगा यहां से साइन, एंगल की जगह आएगा आई माइनस आर, यानी साइन थीटा, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब सी एम, सी एम, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। क्या सबको क्लियर हुआ? और किसी को कोई डाउट? आप आ जाएं। सी एन किसके बराबर? डी के, स्मॉल डी के, लेटरल शिफ्ट यही है। ए सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच एम्प्लाइज सी एन की जगह लिखेंगे हम डी इज इक्वल टू ए सी, फिर आएगा साइन आई माइनस आर। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? वो किसी को कह रहा डाउट है कोई? तो पहले ट्रायंगल में मुझे ये चीज थी, अब मैं जाऊंगा ट्रायंगल ए बी सी में। क्यों सर? मुझे इस ए सी की वैल्यू भी चाहिए। अब ए सी भी अनोन है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी।
आप ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल, आप यहां जाते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी, क्या क्लियर हुआ सबको? और किस ट्रायंगल में जाना है आप? ए बी सी में, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे ए बी सी, यहां पे एंगल ये चीज है आर। आप सर क्या साइन निकाले कॉस निकाले कौन सा टी रेशियो हम यहां पे यूज करें? आप तीर को निकालना क्या, ये चीज ए सी आपको निकालनी है, ये चीज आपके पास है, ये थिकनेस ऑफ स्लैब, वो बात समझ आई? परपेंडिकुलर बी सी ये आएगी, ये क्या चीज देखो ये परपेंडिकुलर ये आएगी बेस और वो आएगी हाइपोटेन्यूज। आपके पास बेस है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो हम यूज करेंगे कॉस। यस सर, क्या यूज करेंगे? और छोटे क्या यूज करेंगे? कॉस। कल कल मुद्दों क्या ना, तो कॉस आर लेके ये एंगल कॉस आर, ये किसके बराबर आएगा शबाश? कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो है यार आपके पास ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगी वो बेस रहेगी। आप सुनिए ये परपेंडिकुलर ये बेस और हाइपोटेन्यूज तो आएगा एस, हमें एसी ही चाहिए, क्या चाहिए? तो हमने एसी के बराबर विजिबल लाइंस एसी इज इक्वल ए बी ए बी ए बी तो टी के बराबर है थिकनेस ऑफ स्लैब, बात समझ आ रही है? तो यहां का टी डिवाइडेड बाय कॉस आर, लेट मी कॉल दिस सेकंड एंड लेट मी कॉल दिस फर्स्ट, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? और किसी को कोई डाउट तो मत है यार? और बैठे रहे ध्यान इधर दे, आप सुनिए सुनिए सुनिए, बोले डाउट है कहीं? नो सर। किसी को कोई डाउट? वो डाउट है, चल आगे चलते हैं फिर। तो अब मैं कहूंगा पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड को किस में डालेंगे? सर आप ध्यान दीजिए डी किसके बराबर आएगा? डी इज इक्वल ए सी की जगह टी ए कॉस डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटर आएगा ऊपर साइन आई माइनस आर, वो क्या सबको क्लियर हुआ? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट, ये एक्सप्रेशन किसके लिए है? वो क्या सबको क्लियर हुआ?